स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी या जिसका उल्टा होता है स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है जो चीज रिएक्टिव होगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो स्टेबल कम होगी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। जितने भी आपने एसिड डेरिवेटिव किए, दैट इज क्लोराइड्स एनहाइड्राइड्स एमाइड्स एंड एस्टर्स, ठीक है, उन सब का रिलेटिव रिएक्टिविटी, राइट। तो अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो एसिड डेरिवेटिव्स का जनरल फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ वाई, वाई कैन बी सी एल, इट कैन बी ओ ओ सी आर, इट कैन बी ओ आर, इट कैन बी एन एच थ्री एन एच टू, ठीक है। तो मतलब बोलने का है कि अगर सी एल होगा तो वो एसिड क्लोराइड हो जाएगा, अगर ओ ओ सी आर होगा तो वो एसिड एनहाइड्राइड होगा, अगर वो ओ आर होगा तो ये एस्टर बन जाएगा, और ये एन एच टू होगा तो ये अमाइड बन जाएगा, राइट। और आपको सबको पता है सारे ही एसिड डेरिवेटिव्स, चाहे क्लोराइड्स हैं, चाहे एनहाइड्राइड्स हैं, चाहे एस्टर्स हैं, चाहे एमाइड्स हैं, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, जिसका मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑल अंडरगो। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि देयर इज डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, मतलब सारे के सारे इक्वली रिएक्टिव नहीं है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, क्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन एंड एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ये हुई रिएक्टिविटी की बात। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसका मतलब हो गया कि जो आपके एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और आपके जो एसिड एमाइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं इसलिए वो लेस रिएक्टिव होंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और हम ये जो रिएक्टिविटी है या स्टेबिलिटी है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस है, ये है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब अगर मैं एसिड डेरिवेटिव के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ तो बिल्कुल ईजिली आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने Y दिखाया है, Y आपको पता है दैट कैन बी सी एल, ओ ओ सी आर तो O होगा, ओ ओ आर होगा तो O से जुड़ा होगा C, और अगर एन एच टू होगा तो N से जुड़ा होगा, और ये सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन पे एक आता है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर आते हैं, क्लोरीन पे तीन आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिर्फ एक दिखाया है क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्वियस है, ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एक स्ट्रक्चर बना। उसके बाद जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाई पे जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन गया डबल बॉन्ड और साथ में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, सबके लिए बनेंगे, वो क्लोराइड्स के लिए भी, एनहाइड्राइड्स के लिए भी, एस्टर्स के लिए भी और एमाइड्स के लिए भी, राइट। लेकिन इसमें जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा है रेजोनेंस में कि जब भी आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जो ओवरऑल रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी है वो उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। इस स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और उसका रीज़न क्या है कि एक तो इस स्ट्रक्चर में देखो कार्बन और वाई के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, उससे क्या हो गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई इस बॉन्ड की, ठीक है। और दूसरे डिस्पर्सल हो गई चार्ज की, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था लेकिन यहाँ वाई पे आ गया, तो दिस इज डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जितनी ज़्यादा डिस्पर्सल होती है पॉजिटिव चार्ज की उतनी ज़्यादा हो जाती है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब हो गया कि अगर आप एसिड डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स देखो तो दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होगी डेरिवेटिव्स की वो इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, जिस एसिड डेरिवेटिव में ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो एसिड डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिस एसिड डेरिवेटिव में ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा वो एसिड डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, मीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इन सब